Good afternoon, guys. A very good afternoon to all of you, and welcome back to SSE Tube, which is powered by Olivewood. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है. सो गाइज, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज मैं आप लोगों को 2021 के जितने भी जीआई टैग्स है वो कवर कराने वाला. ओके, सो एक बार से सब बताएंगे. सेशन लाइव हो गया है, आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. फिर शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज के सेशन की. ठीक है, दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे वाली क्लास से हम लोगों ने करी दी थी. ओके, चलिए. विवेक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. आशीष, वेरी गुड आफ्टरनून. गाइस, एक बार से प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और एक बार से ग्रुप में भी मैसेज छोड़ दो कि सारे बच्चे आ जाएंगे. हालांकि हम शेयर कर चुके हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो लेट लतीफ आती ही है क्लास में. ओके, चलिए तब तक शुरू करते हैं गाइस, और आज के सेशन में देखते हैं कौन कौन से जीआई टैग्स है जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेंगे. ठीक है, ओके. डब साउंड आ रही है यार, साउंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड मुझे चेक करने दो. नहीं तो बिल्कुल सही है गाइस, साउंड की वावेश आ रही है. नहीं, आशीष मिश्रा ठीक है, अभी मैंने चेक किया है, साउंड ठीक है. ठीक है, चलो. ओके, सो गाइज, ये सीजीएल 2 का मॉक टेस्ट है जो कि ऑल इंडिया लाइव टेस्ट रहेगा 23 और 24 अक्टूबर को. तो ये आप सभी को देना है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है. तो इस एग्जाम को, मतलब ये मॉक टेस्ट है जो कि आप सभी को देना है. ठीक है, और क्या स्कोर रहेगा ये मुझे जरूर बताइएगा, हमको भी तब पता चले कितने पानी में हो. ठीक है, चलो, ये टाइमिंग वगैरह दी हुई है, अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन भाई आज के सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन पे आता हुआ. देखिए, इंदु वेरी गुड आफ्टरनून. आशीष मिश्रा ठीक है मैम, डब साउंड आ रही है, मैं थोड़ी देर वेट करूँ, शायद अपने आप ठीक हो जाएगा. ओके, हाँ, क्योंकि मेरी तरफ से तो इधर कोई दिक्कत है नहीं, मैंने चेक भी किया था. चलो देखो, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म जिसको वाडा कोलम राइस कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है. तो आपको ये बताना है कि जो ये वाडा कोलम राइस है, वाडा कोलम राइस, ये कौन से वाले स्टेट के अंदर होता है. चलिए बताएंगे जल्दी से, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में ये प्रोडक्ट होता है. तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर, कौन बताएगा? प्लीज चेक साउंड. यार बाकी बच्चे तो नहीं बोल रहे, आशीष मिश्रा वैसे भी आप ही की. नहीं, बिल्कुल सही आ रही है वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है. हां जी, बिल्कुल सही है आशीष जी. एक काम करें, अपनी तरफ से चेक करें, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो. ओके, महाराष्ट्र, जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है. महाराष्ट्र के अंदर वाडा कोलम राइस को जीआई टैग दिया जा चुका है. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप कहोगे व्हाइट अनियन को भी जीआई टैग मिला था. ठीक है, किसको? व्हाइट अनियन को जीआई टैग दिया गया था, और इसी के साथ में अल्फांसो आम, जो कि बहुत पहले मिल चुका है, अल्फांसो आम जिसे आमों का राजा कहा जाता है. ओके, और इसी के साथ में एक हापुस आम भी यहाँ पर देखने को मिलता है जिसको जीआई टैग दिया गया था. अब महाराष्ट्र की बात करते तो हर एक स्टेट का मैं सीएम और गवर्नर भी आपको बताते हुए चलूंगे. ठीक है, ताकि एक और चीज साथ में आपकी तैयार हो जाए, रिविजन हो जाए. ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हो जाएंगे ये कौन है गाइस? उद्धव ठाकरे हैं. ओके, उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम हो जाएंगे. चलिए ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ पर? सो ये है आपके भगत सिंह कोश्यारी. कौन है? भगत सिंह कोश्यारी. ओके, मुंबई हो जाएगी इसके कैपिटल. तो ये सारी चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट. एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, और क्लास को बीच में छोड़कर ना जाओ. या मतलब बड़ा दुख होता है मुझे ये सुन करके, सोच करके कि आप लोग क्लास को बीच में छोड़कर चले जाओ, तो कितनी गलत बात है. हाँ जी, सो वाडा कोलम, इस राइस को जो है ना जीनी या फिर झीनी के नाम से भी जाना जाता है महाराष्ट्र के अंदर. तो यहाँ पर एक जगह है पालघर. ठीक है, इसी के अंदर इसको उगाया जाता है. यहाँ की पारंपरिक किस्म इसको माना जाता है, जिसका दाना जो होता है बिल्कुल सफेद रंग का होता है. तो आपको कि मैम चावल तो सफेद ही होता है, व्हाइट कलर में भी बहुत वैरायटीज आ जाती है ना, तो ये बिल्कुल सफेद होता है. ये ग्लूटेन मुक्त होता है, हालांकि ये कम उपज देने वाली फसल होती है. चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते.
यार पता है आज के सेशन में थोड़ी सी आप लोगों को गड़बड़ मिलेगी कि एक स्टेट से रिलेटेड जिन प्रोडक्ट्स को मिला उनके लिए अलग अलग क्वेश्चंस बना दिए। उस दिन हमारे कंटेंट मैनेजर ने टॉपिक वाइज स्टैटिक जेके का ये पहला टॉपिक बनाया था, बट मैंने उसी दिन बोल दिया कि भैया आगे से ऐसा मत करना, ठीक है। एक स्टेट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो एक ही क्वेश्चन में मैं बता दूंगी, आपको अलग अलग क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये गड़बड़ आज के सेशन में थोड़ी सी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि व्हाइट अनियन है, मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया, आगे मैंने देखा तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाया हुआ है ना। तो ये एक छोटे से मिस्टेक है, हालांकि कंटेंट मैंने उनको दिया था कि ये क्वेश्चंस, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड बना दीजिए। बट उन्होंने एक स्टेट के चार हैं तो उसके तीन चार क्वेश्चन बना दिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं, ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है गाइस। व्हाइट अनियन को महाराष्ट्र के अंदर जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक ऐसी है जिसके अंदर कुछ नॉट टियर फैक्टर डाला हुआ है इस अनियन के अंदर, मतलब जब आप प्याज काटती हैं तो आंख से आंसू निकलता है, लेकिन इस अनियन के अंदर कुछ ऐसा फैक्टर है जिससे क्या होगा, जिससे आंख से आंसू नहीं निकलेगा, ये कुछ अलग किस्म की है भाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या है, हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया है, मीठा खीरा इसको मिला है हाल ही में जीआई टैग। तो जैसे कि आप सलाद के रूप में खाते हो, बिना इसके बहुत से लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते, तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या बिहार, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड। मैडम मेरा उत्तर प्रदेश। ओए होए होए, ये देखो मतलब भावरा इस कदर बह रही है कि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है फिर भी यही आंसर किए जा रहे, हे भगवान। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम कब होने वाला है मैम? एसएससी जीडी का एग्जाम अभी है ना 16 नवंबर को। ओके, आंसर यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स नागालैंड आंसर कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, नागालैंड के अंदर है गाइस ये मीठा खीरा जिसको अभी लेटेस्ट क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। चलो बहुत अच्छी बात है। नागालैंड से एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मिर्च भी होती है, नागा मिर्च, इसको भी जीआई टैग मिला है, जिसे राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसी को भूत जालोकिया भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहां पर, नागालैंड के अंदर है, जिसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन यहां तक? हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा सॉरी सॉरी, जीआई टैग को लेकर के इतिहास तो मैंने आपको बताया ही नहीं, वो इसलिए ध्यान से निकल गया क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को वैसे ही बता चुकी हूँ उसके बारे में। चलो एक छोटी सी चीज अभी बता देते, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। देखो जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जीआई टैग ये एक्ट 1999 के तहत लाया गया था, WTO के जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में एक समझौता होता है जिसको नाम दिया था ट्रिप समझौता। तो इसी समझौते के तहत ये डिसाइड किया गया कि अपने अपने एरिया के अंदर हम जो भी फेमस प्रोडक्ट्स होंगे उनको जीआई टैग देंगे। तो तभी 2003 के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है और पहली बार 2004 को जीआई टैग मिला था, और वो भी किसको, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। तो तभी से ये कहानी शुरू हो गई है और तभी से ये प्रोडक्ट्स को डे बाय डे जीआई टैग दिया जाता रहता है, आज तक चल ही रहा है, आए दिन नए जीआई टैग। हाँ बिल्कुल सही, तो ये कहानी थी जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताने थी, बट मैंने इसलिए सीरियस नहीं ले, तो बहुत बार डिस्कस कर चुकी है यार ये चीजें, अभी तो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो ये नागालैंड का मीठा खीरा है जिसको यहाँ पर जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, नेक्स्ट देखो क्या है, हाल ही में किस राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज जिसको जीआई टैग दिया गया है। हाँ भाई, सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है, सो विच इज योर करेक्ट आंसर। डॉक्टर मैडम मुझे पहचानो, अच्छा अर्जुन सक्सेना होंगे, पढ़ लो यार, मतलब ये पहले बुझाने के लिए क्लास मिलती है तुम लोगों को, हाँ हद है। चलो अच्छा सुनो, सिरारा खोंग मिर्च और तामेंग लोंग ऑरेंज जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये जो है कौन से वाले स्टेट का हो जाएगा, दैट इज इन मणिपुर, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा आपका, मणिपुर में। दो प्रोडक्ट्स हैं ये मिर्च, इसको हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, हाथी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो ऑरेंज है कहा जाता है काफी ज्यादा मीठा है खाने में। अच्छा
तो इसीलिए इसको क्या मिला है भाई, जीआई टैग मिला है। चलिए अच्छी बात है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। आज ना खाने पीने की बहुत बातें होने वाली है। हाँ आज खाने पीने की बहुत बातें होने वाली है। चलो मणिपुर सुनो, मणिपुर में एक और प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था काफी टाइम पहले की बात है, काला चावल ब्लैक राइस, जिसको किस नाम से जाना जाता है, चाक हाउ के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है भाई। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, तीनों प्रोडक्ट्स याद रखने आपको मणिपुर से रिलेटेड। ओके, तो देखो जीआई टैग के ऐसी काम ऐसा हो चुका है कि मैंने इतनी बार ये चीजें आप लोगों को करंट अफेयर्स में ही रिवाइज करा दिए कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब याद करने में कोई दिक्कत होने वाली है ना। मैम बोर्ड पे पढ़ा रहे, पढ़ाएंगे यार बोर्ड पे, रुक जाओ, हम खुद इंतजार कर रहे हैं कब बोर्ड लगेगा, कब बोर्ड लगेगा। तुम जख्मों पे नमक छिड़कने का काम मत करो अभी, ठीक है, इंतजार करो थोड़े से टाइम, इंतजार करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ जी, हाल ही में किस राज्य के घोलवड सपोटा चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? Recently, which states घोलवाड सपोटा चीकू has been given GI tag? तो ये कौन से state का हो जाएगा जिसको GI tag मिला है? Answer बताएंगे जल्दी से comment section में। तैरता हुआ नेशनल पार्क मैम, अरे भाई सोनू ठीक है, अब मणिपुर की बात आई तो तुमको ऐसा थोड़ी ना पढ़ाएंगे नेशनल पार्क, आज GI tag चल रहा है तो सिर्फ GI tags करेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने सीएम गवर्नर बोला था, वो सॉरी सॉरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, तो तुम लोग याद दिला सकते हो, सीएम गवर्नर है ना, वो चीज एक बार से हम करते हो, चलेंगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के गोलबर्ट सपोटा चीकू हैं जिनको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है? तो आपको ये बताना है कौन से स्टेट के अंदर ये मिला है, जिसके बारे में पीछे हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है, दैट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पीछे हमने पढ़ा था कि व्हाइट अनियन को दिया जा चुका है, चलो ठीक है। और कौन सा था यहाँ पर, और आपका था वाडा कोलम राइस, वाडा कोलम राइस, इसको जीआई टैग मिल चुका है। अल्फांसो आम जिसे बहुत पहले दिया गया था, और एक आपका क्या हो जाएगा, हापुस आम, जिसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक सभी को? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? सो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है गाइस, यहाँ पर महाराष्ट्र इज योर करेक्ट आंसर। घोलवड सपोटा चीकू, घोलवड सपोटा चीकू महाराष्ट्र में है जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ओके बिल्कुल सही, चलो। और महाराष्ट्र के सीएम गवर्नर तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, उद्धव ठाकरे एंड विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर है, ठीक है। चलो अच्छा, 2019 मई को महाराष्ट्र के पालघर जिले से दहानू गोलवड सपोटा चीकू की एक खेप यूके भेजा गया था, ठीक है। ये चीजें यूके भेजी जा चुकी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, मतलब ये हमारे कंटेंट मैनेजर भावनाओं में बहते हुए। खैर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, आ जाओ भाई जल्दी से, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, सुनो। हाँ जी, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है? अभी बासमती राइस के लिए जीआई टैग मिला है, कौन सी कंट्री आपसे पूछा जा रहा है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर आपकी फेवरेट पाकिस्तान? बता दो भाई जल्दी से, आज तो पाकिस्तान ने मतलब इस बार तो सही में हमारे साथ कांड कर दिया, मतलब वर्ल्ड कप में हरा दिया यार, मतलब हद हो गई है। मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी बट नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊं, शॉर्ट वीडियो बनाऊं कि पाकिस्तान से हम हार गए, वो भी T20 वर्ल्ड कप में। मतलब मैं दिल पे पत्थर रख के भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई, मैं इस बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन ही नहीं बना पाई, मैंने कहा नहीं यार, मतलब। लेकिन एक चीज है कि 6 वर्ल्ड कप हुए थे जिसमें से 5 तो हमने जीते हैं, एक ही तो है जो पाकिस्तान को गया है, लेकिन उसके लिए भी दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है, दिल है कि मानता ही नहीं है कि हम हार गए वो भी पाकिस्तान से, मतलब ये तो कांड हो गया हमारे साथ में, सही में कांड हो गया। खैर बस यही तो देखना बाकी रह गया था एक। चलो भाई, ये बासमती राइस जो है इसी भिखारी को दिए गए हैं, भिखारी क्यों कहा मैंने इनको, क्योंकि ये भिखारी बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने बाकी देशों से जो गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं उनको भी बेचना स्टार्ट कर दिया है,
ठीक है, जो गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स यूके की तरफ से मिले हुए हैं, चाइना की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हुए, तो उनको बेचना स्टार्ट कर दिया है बाहर की कंट्रीज को, ताकि थोड़ा सा देश में पैसा आए। तो भीख मांगने की नौबत आ चुकी है इमरान खान की, जो यहाँ पर क्या है भाई, प्रधानमंत्री बनकर बैठे। अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो चुकी, और यहीं पर इनको खुशी मिली है कि T20 वर्ल्ड कप में ये इंडिया से जीत गए हैं। खैर, ये इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेगा, कोई डिस्कशन नहीं। हाँ जी, बासमती राइस के लिए तो उसको जीआई टैग मिला है। इसी के साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, गुलाबी नमक, जो कि हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ही मंगवाते हैं। गुलाबी नमक जो है ना, इसका प्रोडक्शन यहीं पर सबसे ज्यादा होता है, हम इसका इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हम इसको बड़े टुकड़ों में मंगवाते हैं, फिर उसको महीन छोटा छोटा पीस करके और पैकेट में बंद करके मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के उसको बेचा करते थे। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि भाई प्रोडक्ट हमारा है और वो मेड इन इंडिया लगा रहे, तो उनको क्या लगी, मिर्ची लगी। तो मिर्ची लगी तो क्या किया, मिर्ची लगी तो क्या किया, उस पर भी जीआई टैग ले लिया। तो गुलाबी नमक पर भी अभी हाल ही में इसने जीआई टैग ले लिया है। ठीक है, जीआई टैग लेने से यही तो होता है कि अब उस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ हमारा मालिकाना हक है, कोई भी और उसके ऊपर अपने नाम से व्यापार या ट्रेड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। मैम गुलाब नाम दिया था, अरे हाँ भाई पता है हमको, तुमको सब पता है, ये मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है, गुलाब नाम दिया था साइक्लोन का। ठीक है, चलो हो गया, आगे आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जरा, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सुनो, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? क्या है, तेजपुर लीची, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। तो ये कौन सा वाला स्टेट हो जाएगा भाई, उत्तराखंड में मिला है, बिहार, असम, या फिर मिला है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैम आप बहुत डांटती हो एस्ट्रला, मैंने ऐसा आरोप मेरे ऊपर, मैंने कब डांटा यार, किसको डांटा भाई, प्लीज हाँ ऐसा आरोप ना लगाओ। एक तो हम चश्मा लगाना रोज भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है। ओके, अब आ जाओ भाई, अब बताओ तेजपुर लीची की जब हम बात करते हैं, ये गलती से लगे यहाँ पर, ठीक है, बिहार, ये नहीं आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर असम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेजपुर लीची जो है जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, कौन से स्टेट के अंदर, असम के अंदर इसको मिला है। अच्छा, यहीं पर एक और प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, लाल चावल, इसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तेजपुर लीची की बात करते हैं तो एक शाही लीची भी ध्यान रखिएगा, शाही लीची, इसको जीआई टैग मिला है कहां पर, बिहार के भागलपुर में होती है ये, और इसको तो एक्सपोर्ट भी किया गया था पहली बार, और ये भी कहां पर एक्सपोर्ट किया गया था, ब्रिटेन के अंदर, कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो असम की जब हम बात करते हैं तो देखो इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो दिसपुर है, आप सभी जानते। सीएम कौन है यहाँ पे, सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, करके मत चले आना, वो अब नहीं रहे सीएम, नहीं रहे अब सर्बानंद सोनोवाल, आयुष मिनिस्ट्री में चले गए हैं। ओके, सीएम हो गए हैं आपके यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा, कौन, हिमंता बिस्वा शर्मा, चले ठीक है। गवर्नर भी बता दो फिर कौन है भाई, मैम वही है जिनके पास में एडिशनल चार्ज है, किसका, नागालैंड का, ओके, जगदीश मुखी, तो इनके पास में नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। यहीं पर एक इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क बना था, एंड ये कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो कि सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला बना था। ठीक है, इसमें दो नए नेशनल पार्क्स को ऐड किया गया था, रायमोना फॉरेस्ट एंड देहिंग पटकाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो मैम हम सभी जानते हैं, ओके तुम सब तो हो ही इंटेलिजेंट। हाँ, काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लिया जाए, अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो फिर लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दैट इज किस राज्य के प्रसिद्ध जुड़ीमा वाइन राइस को जीआई, बस यही एक गड़बड़ है जो आज के कंटेंट में आपको मिलेगी, कि एक स्टेट के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है तो उसको लेकर के दो तीन क्वेश्चन बना दिए गए, बट मैंने बोल दिया है कि प्लीज आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक प्रोडक्ट को जीआई टेक मिला है, कुछ भी कोई भी टॉपिक वाइज करा रहे हो, मैंने बोल दिया आज के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी में मैं सारी चीजें बता देती हूँ, भले ही आपने उसमें मेंशन नहीं किया, मैं वहीं पर बता देती हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही काम करें, है ना। जैसे कि जुड़ीमा राइस वन, ये भी असम में मिला और पीछे वाला भी असम था, दो क्वेश्चन बना दिए इसके। चलो भाई देखो, अभी लेटेस्ट है जुड़ीमा वाइन राइस है, जिसको जीआई टेक दिया गया है और ये भी कहां पर, असम के अंदर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाली जो वाइन है ना, वो किससे तैयार की जाती है, चावल से तैयार की जाती है और घर की बनी है, मतलब घर के अंदर ही इसको तैयार किया जाता है। आप लोगों ने घर का शुद्ध खाना तो सुना होगा, लेकिन घर की शुद्ध दारू सुनी है क्या, असम में सुन लो, ठीक है। असम के अंदर इसको तैयार किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर। अर्जुन सक्सेना को छुट्टी चाहिए अभी, हाँ हाँ ठीक है भाई, आप जा सकते हो, आपके ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो अच्छा। बिल्कुल सही है, हाँ 10 ईयर्स के लिए दिया जा रहा है, जीआई टेक जब भी दिया जाता है तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। क्या किसी प्रोडक्ट को रिन्यू करवाया जा सकता है, मान लीजिए जुड़ीमा वाइन राइस पर जीआई टेक लिया, 10 साल हो गए, अब दोबारा से इसको रिन्यू कराना चाहे, क्या ये पॉसिबल है, तो यस ये पॉसिबल है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करके दोबारा से इस पे जीआई टैग लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, असम के अंदर ये इस चावल को मिला है, इसी के साथ में सोजत मेहंदी को मिला था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताओ कि सोजत मेहंदी को जीआई टैग कौन से स्टेट के अंदर दिया गया था, जल्दी से मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग क्लास को कितना फोकस करके देखते हो। ई फिश मैम, हे भगवान, ई फिश वाला एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी असम के अंदर, जिसमें घर बैठे आप फिश मंगवा सकते हो, बिल्कुल। राजस्थान, वेरी नाइस, हाँ हाय हाय हाय, पढ़ाई करते हैं मैम, जोरों से तैयारी चल रही है हमारी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, इसी प्रकार करते रहो, बस आगे बढ़ते रहो जिंदगी में। चलो अच्छा आगे बढ़ते जरा, और हम भी देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो किस राज्य के प्रसिद्ध गुलबर्गा तूर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये क्या है, दाल है, ये क्या है, दाल है, गुलबर्गा तूर दाल है, इसको क्या मिला है, हाई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इसको दिया गया, आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर ये मिला है, जल्दी से, ये दाल है मैम, ये क्या है भाई, साफ साफ पता चल रहा है दाल, ठीक है, पल्सेस नहीं खाते तुम लोग, वही है ये, ओके तो कौन से स्टेट के अंदर इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ये आपको बताना है, बताएंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्विक। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका, छत्तीसगढ़, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं छत्तीसगढ़, गलत जवाब है, और कोई, कर्नाटका वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही, कर्नाटका के अंदर दिया गया है इसको जीआई टैग, गुलबर्गा तूर दाल यहीं पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। दालें ज्यादा से ज्यादा खाया करो भाई, हाँ दालें वाले आकर के, कितने ऐसे लोग जो दाल नहीं खाते, कितने ऐसे लोग जो दाल नहीं खाते बताओ जरा। जब हम बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके कैपिटल क्या हो जाएगी, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, जिसे कि हम सिलिकन सिटी एंड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है, जैसे कि इसरो का हो गया, विप्रो का हेडक्वार्टर हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, एंड इंफोसिस का हेडक्वार्टर हो गया, तो ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा, करके मत चले आना, ठीक है, चेंज हो गए हैं यहाँ के सीएम, तो कौन है यहाँ के सीएम, तो ये ध्यान रखिएगा बसवराज बोम्मई है, कौन है, बसवराज बोम्मई, ये यहाँ पर क्या बन गए हैं, आपके सीएम बन चुके। अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो इसका आंसर क्या मुझे करना पड़ेगा, हाँ एक आध क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाना चाहिए बीच बीच, फटाक से बताओ कर्नाटका के जो नए गवर्नर बने हैं वो कौन, जल्दी से, हाँ जी कर्नाटका के गवर्नर बताएंगे जल्दी से कि सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, तब तक हम जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल सही, क्या बात है, मतलब पढ़ाई करते हैं मैम। थावरचंद गहलोत, वेरी नाइस, हाँ थावरचंद गहलोत है जो कि यहाँ पर आपके नए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। अब आ जाते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं जरा अगला सवाल हमारा यहाँ पर क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 10,
किस राज्य के प्रसिद्ध पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है ये आपको बताना है। विच स्टेट्स ऑफ फेमस पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग हैज बीन गिवन जीआई टैग। ये प्रिंटिंग है जो कि कपड़े पे, लकड़ी पे, दीवार पे, किसी भी चीज के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर इसको जीआई टैग मिला है। आंसर बता दे जल्दी से, क्या होगा यहाँ पर आपका सही आंसर? एमपी, सोच लो। गोयनका सोनी, एक बार फिर से सोचो सोचो सोचो। ठीक है, कुछ बच्चों का डी आंसर है, सोचने पर मजबूर किया तो उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए। हे भगवान, गलत है, गलत है। सुशील पासवान, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है सुशील पासवान का आंसर। एंड 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 और कोई, राजेंद्र सिंह का भी आंसर ठीक है, गजेंद्र का आंसर ठीक है, बस तीन बच्चों का आंसर ठीक है। बिहारी बाबू का सही, बिहारी बाबू बहुत दिनों के बाद क्लास में दिखाई दे, कहाँ गायब रहते हो भाई, क्लास में आया करो डेली। हाँ, गुजरात। तो गाइज ये पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसको जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ पर दिया गया, गुजरात के अंदर ये जीआई टैग दिया गया। ये प्रिंटिंग जो लकड़ी या कपड़े वगैरह पे की जाती है, ठीक है, तो इसको गुजरात के अंदर जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट इसको मिला है। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची, जिसकी हाइट है 182 मीटर, ये यहीं पर बनाई हुई है, जिसको राम सुतार ने डिजाइन किया था। ओके, तो यहाँ पर जो सीएम है वो कौन है, तो भाई विजय रूपानी करके मत चले आना, ठीक है। यहाँ पर जो सीएम आपके नए बनकर आए हैं ये कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल है। कौन है, भूपेंद्र पटेल। इसीलिए मैं सीएम गवर्नर करा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो वो भी साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगे, जीआई टैग भी हो जाएगा, सीएम गवर्नर भी हो जाएंगे, है ना। चलो अच्छा, गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर तो आपकी वही है यहाँ पर, आचार्य देवव्रत जी, ठीक है। गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे, दैट इज आचार्य देवव्रत। मैडम लड्डू बांटे थे यहाँ पे, मतलब तुम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो, ठीक है। लड्डू वितरण योजना यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्टार्ट की गई थी, बट मुझे नहीं लगता प्रेग्नेंट लेडीज को मिला हुआ, तुम जैसे लोगे जाकर के लपक लपक के लिए आए होगे, है ना, कि हमको ज्यादा जरूरत है इस चीज की। ओके, और लाइव न्याय जो यहाँ का हाईकोर्ट है, पहला ऐसा हाईकोर्ट बना था जिसने यूट्यूब के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कराई थी, हाईकोर्ट वगैरह मतलब जो भी मामले थे वो लाइव स्ट्रीमिंग चलाने वाला ये पहला बना था, ठीक है। लोक अदालत को स्टार्ट करने वाला ये पहला बना था, लोक अदालत को स्टार्ट करने वाला भी ये पहला स्टेट बना था। जानते हो लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत वो होती है जैसे कि कुछ ऐसे केसेस नहीं होते जो सालों से खींचे चले आ रहे जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के जो केसेस है ना जो काफी सालों से चले आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो ई लोक अदालत जो होता है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी गाइस, भैया मैं क्लास में हूँ। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। सॉरी, चलो आ जाते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझ आए ना सबको। पेठापुर याद रखिएगा, कैसे याद रखना है आप लोगों को पेठापुर। अच्छा मैं चाहती तो मैं प्रोडक्ट्स के, यार याद ही नहीं रहा, मैं आपको ट्रिक्स बना के याद करा देती तो सारा याद हो जाता आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं, जरा अब हम देख लेते हैं। देखो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कि आपको आपके घर में पेठे की सब्जी आपकी बीवी बना रही है, ठीक है, पेठे की सब्जी बना रही, अगर आपने बोला कि आप नहीं खाओगे पेठे की सब्जी तो सारी रात आपको कहाँ गुजारनी पड़ेगी, बाहर गुजारनी पड़ेगी, और ब्लॉक कर दिया जाएगा वो अलग से, है ना। तो ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि पेठापुर पेठा की सब्जी खाने से अगर मना किया तो सारी रात गुजारनी पड़ेगी कहाँ, घर से बाहर, ठीक है। चल अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग हैज बीन गिवन टू द फेमस क्ले टॉयज मेड इन विलाचेरी ऑफ विच स्टेट। विलाचेरी ऑफ विच स्टेट, सो विच इज योर करेक्ट आंसर, बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ओके तमिलनाडु, तमिलनाडु कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। देखो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट के अंदर ही आती है, सारी की सारी हाथ से बनाई गई चीजें, ठीक है। तो बिल्कुल जो बच्चे तमिलनाडु यहाँ पर आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। तमिलनाडु के अंदर दिया गया है क्या, GI Tag, मिट्टी से बने ही खिलौने हैं कुछ यहाँ पर। खिलौने के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बर्तन, खिलौने वगैरह, मिट्टी से बनी हुई सारी चीजें। तो ये क्या कहा जाता है, इनको विलाचरी के अंदर ये बनाए जाते हैं, जो कि विलाचरी के नाम से ही फेमस है। होता है ना किसी भी जगह के नाम से कोई भी प्रोडक्ट फेमस होता है, विलाचरी के मिट्टी के खिलौने ऐसे करके ये फेमस है तमिलनाडु के अंदर। और इनको क्या है दिया गया है, अभी हाल ही में GI Tag 10 साल के लिए दे दिया गया, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, हो गई बात भाई, हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में मिला, सारी चीजें यहाँ पर हाथ से बनाएंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर, तो यहाँ पर और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI Tag मिला हुआ है, जैसे कि कंडागी साड़ियां हैं जिनको GI Tag दिया गया, कंडागी साड़ियां। और ताले भी है ना यहाँ पर एक, जिन्हें कहा जाता है डिंडीगुल के ताले। क्या कहा जाता है, डिंडीगुल के ताले, जो इतने ज्यादा मजबूत है कि चोर तोड़ नहीं पाएगा, मर जाएगा तोड़ते तोड़ते, लेकिन तोड़ नहीं पाएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या था, मट्टी केला, उसके लिए डिमांड की हुई है, हालांकि अभी मिला नहीं है, डिमांड की हुई है इसके लिए, ठीक है। और एक और प्रोडक्ट है यहाँ पर जिसे कहा जाता है इरोड़ की हल्दी। क्या है, इरोड़ की हल्दी, इसे भी GI Tag मिला हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर, जिसको GI Tag दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ तक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो तमिलनाडु की बात करते हैं, उसकी जो कैपिटल हो जाएगी दैट इज चेन्नई। और चेन्नई के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलता है यहाँ पर लेदर रिसर्च सेंटर, और तमिलनाडु के अंदर आपको मिलता है हल्दी अनुसंधान केंद्र यानी कि टर्मरिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। हाँ जी, CM कौन आ जाएंगे भाई, MK Stalin है जो यहाँ पर नए CM बने थे, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, करके मत चले आना, ठीक है। वो चले गए कहाँ, पंजाब चले गए हैं वो। तो अब यहाँ पर जो नए गवर्नर आए हैं दैट इज RN Ravi, कौन आए हैं, RN Ravi बनकर आए हैं, ठीक है। हाँ जी, इतनी चीजें बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। गोयनका सोनी क्या कह रहे हैं, स्टाइल, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलेंगे बिना किसी कंजूसी के। मैं आप लोगों को एक टारगेट दे रही हूँ जो कि कितना रहेगा, 50 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। तो प्लीज ये टारगेट आप लोगों को अचीव करना है कैसे भी करके, सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चले, ओके। हाँ, मदुरई इसी में शहर है जहां पर मीनाक्षी टेम्पल आपको देखने को मिलता है, और इसी को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI Tag मिला है, गुच्छी मशरूम ये आप देख रहे हो, ये मतलब बहुत ही महंगा होता है, कहा जाता है कि 36,000 रुपए KG होता है भाई, मतलब हमारे बस का नहीं है, एक तो देख के खाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है, ऊपर से 36,000 रुपए KG, मतलब 36 रुपए में भी ना लेने का मन करे मेरा तो। खैर, ये कहाँ पर है ये प्रोडक्ट जिसको GI Tag दिया गया है बताएंगे, और किस किसने ये खाया है ये भी बता दो जरा, मैं भी तो देखू कैसा होता है ये खाने में। हाँ, गुच्छी मशरूम, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही आंसर है, सभी का आंसर यहाँ पर वेरी नाइस, गुच्छी मशरूम है जो जम्मू कश्मीर के अंदर इसको GI Tag मिला हुआ है। यहाँ पर अभी तक दो ही प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, एक तो हो जाएगा कश्मीरी केसर, केसर यानी कि सेफ्रॉन, ठीक है, इसको GI Tag मिला, और एक हो गया आपका यहाँ पर गुच्छी मशरूम। दोनों प्रोडक्ट्स का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने तो देखा भी नहीं है, सेम ईयर किसी ने भी नहीं खाया है। चलो, हाँ केसर करेवा के मिट्टी में होता है, ठीक है, ओके। जब हम बात करते जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसकी ये क्या है, UT है, इसे UT कब बनाया जाता, 31st of October 2019 को इसे UT का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये हो जाएंगे कौन, मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। फर्स्ट वाले कौन थे, फर्स्ट वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिन्हें भारत के अंदर CAG बना दिया गया है। अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कश्मीरी केसर है और ये जो गुच्छी मशरूम है, इनकी अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पहली बार इनका एक्सपोर्ट ये कहाँ पर किया है, UAE के अंदर किया गया है। तो हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, पहली बार ये प्रोडक्ट कहाँ पर भेजा गया है, UAE के अंदर भेजा गया है गुच्छी मशरूम, ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन। पंकज कुमार मित्तल,
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, गाइस एक ही हाई कोर्ट है दोनों का, और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, पंकज मित्तल को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रखनी है याद। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। आ जाते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ओके, वेरी नाइस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया। ये आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर इस प्रकार का होता है चुनार बलुआ पत्थर, जिसके ऊपर ये सब कलाकृतियां की जाती हैं, मतलब इस प्रकार से मूर्ति के रूप में बनाई जाती है, कलाकृतियां की जाती है, तो ये चुनार बलुआ पत्थर होता है। अभी क्या हुआ है, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर मिला है इसको जीआई टैग। बताएंगे जल्दी से, चुनार बलुआ पत्थर। बहुत देर से कुछ बच्चे यूपी यूपी आंसर किए जा रहे, कहीं तो यूपी का क्वेश्चन आएगा। और भाई अब अपनी भावना को जरा लगाम लगा लो, आ गया है तुम्हारा यूपी। ठीक है, देखो भाई, जब हम बात करते चुनार बलुआ पत्थर के बारे में, तो इसको जो है यूपी के अंदर हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये एक ऐसा पत्थर होता है जिसके ऊपर पेंटिंग वगैरह की जाती, पेंटिंग इन द सेंस जो मूर्तियां बनाई जाती उस टाइप से, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये इस वाले पत्थर के ऊपर की जाती है, तो इसको जीआई टैग मिला है। और भी किसी प्रोडक्ट को मिला है? जी हाँ, तो यहाँ पर गोरखपुर का टेरा कोटा। क्या है? गोरखपुर का टेरा कोटा। टेरा कोटा क्या होता है? ये एक प्रकार की क्ले होती है जिससे मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, इसी को टेरा कोटा कहा जाता है। क्ले होती है जिससे क्या बनाई जाती है, मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है, तो इसको भी जीआई टैग दिया है। ये काफी टाइम पहले दिया गया था, लेटेस्ट है चुनार बलुआ पत्थर जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो भाई यहाँ से क्या क्या चीजें हम याद रख सकते हैं, सुनो जरा। सीएम तो हम सभी को पता है मैम, लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे पे है, नवाबों का शहर है, सीएम है यहाँ पर योगी जी, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, बस सबको पता है ये चीज। ठीक है, कुछ और बताते तुमको, तुम ये याद रखो, ये भी वैसे आप लोग को पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है आपका, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है उसकी अम्बेसडर किनको बनाया गया है, कंगना दीदी को बनाया। ठीक है, किसको बनाया, कंगना दीदी को बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैम जीआई टेक कॉल पीडीएफ दे दीजिएगा, मैं पीडीएफ इसका शेयर कर चुकी हूँ, रंजीत वर्मन जी, शेयर हो चुका है टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, इसका टेलीग्राम चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हो, मिल जाएगा। टू चाइल्ड पॉलिसी बहुत पुरानी हो गई, यूपी के अंदर लाई गई थी। ठीक है, ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है आपको यहाँ पर, कुशीनगर को बना दिया गया, जो पूरे देश का कौन सा 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, कुशीनगर एयरपोर्ट है जो कि 29वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल सही है भाई, अब आ जाओ जरा अगले सवाल, देखो क्या है। नेक्स्ट, कहाँ के टेरा कोटा को, यार बस यही मुझे ना एक प्रॉब्लम, यही पता है मैंने बोल दिया है कंटेंट मैनेजर को, आगे से मैंने कैसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अब तो हो गई है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था गोरखपुर के टेरा कोटा है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, जो की यूपी के अंदर है। ठीक है, जो की कहाँ पर मिलेगा आपको, यूपी में, तो मैंने आपको भी पीछे ही बताया था इससे क्या बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है, ये देख रहे हो आप, ये क्ले है, ये मिट्टी है, और इस प्रकार से क्या बनाई जा रही आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी, मेरे पीछे तो नहीं आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मिट्टी है इससे बनाई जा रही, तो इससे क्या मूर्तियां वगैरह बनाई जाती है जिसको जीआई टैग उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किस राज्य के कुटीकट्टूर आम और एड्यूर मिर्च को जीआई टैग मिला। कुटीकट्टूर आम है एंड क्या है, एड्यूर मिर्च है, अभी लेटेस्ट दिया गया है भाई इसको जीआई टैग, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी रिसेंटली मिला है, तो स्टेट बताना है आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका, ओडिशा, त्रिपुरा, केरला या फिर असम, सो विच इज योर करेक्ट आंसर, केरला। चलो सभी का आंसर केरला है यहाँ पर, क्या बात है, ये वाला आंसर तो सभी का सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ चलो, कुटीकट्टूर आम, एड्यूर मिर्च, अब आम भी बहुत सारे हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे कि आपका अल्फांसो आम, ये ध्यान रखिएगा अल्फांसो आम महाराष्ट्र के अंदर है, हापुस आम ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, जरदालू आम की बात करते हैं तो ये बिहार के अंदर है। ठीक है,
और मिर्च भी काफी सारी हो गई है। एडियोर मिर्च तो ठीक है, ये केरला के अंदर हो गया आपका, आंसर केरला हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हरमल मिर्च पूछा जाए तो ये गोवा के अंदर है। एक खोला मिर्च है वो भी यहीं पर है। ओके, डल्ले खुरसानी के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ये कहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सिक्किम के अंदर। ओके, और कौन सी मिर्च है यहाँ पर, एक थी ना आपकी अभी तो पीछे किया था हम लोगों ने, कौन सी मिर्च थी वो, तामेंगलोंग ऑरेंज था वो, हाथी मिर्च थी ना मणिपुर की, हाथी मिर्च, ये कहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मणिपुर के अंदर। ठीक है, और कुछ, तो ये कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स गाइस, अलग अलग मतलब सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे जीआई टैग मिला हो तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके चलेगा। ओके, तो आपको इसको कैसे कट्टर याद रखना, कट्टर लोग होते हैं जो करेले का जूस पी जाते, केरला से करेला, आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हो। कट्टर लोग होते हैं जो करेले का कड़वा कड़वा जूस भी पी जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो आंसर इज केरला। कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम है जो कि इसकी कैपिटल है, और तिरुवनंतपुरम के अंदर ही आपको मिलता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हाँ जी, सीएम कौन है भाई यहाँ पर, सो दैट इज पिनराई विजयन, पिनराई विजयन यहाँ पर सीएम हो जाएंगे। गवर्नर की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर आपके गवर्नर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। जीआई टेक से मैम क्वेश्चन नहीं था पेपर में, बिहारी बाबू यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है जीआई टेक से, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाते हैं। अब देखो यार, जीआई टेक दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आता है, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जरूरी आ ही जाए। अभी आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एसएससी की बात करती हूँ तो 25 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, जिसमें आपका जीएस के सारे सारे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, स्टैटिक जीके, सब दुनिया भर का आ जाता है। तो हर एक टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन भी आए तो भी क्या 25 ही टॉपिक थोड़ी ना होते। हाँ, तो ये एक सोचने वाली बात है कि नहीं आते हर एक टॉपिक से सवाल, लेकिन हमारा तो बनता है ना कि हम हर एक टॉपिक करके जाएं। अब ये किसको पता है जीआई टेक से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो करना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ, आप अब आप उसको देख लो, उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स को देखो, फिजिक्स कितने ज्यादा होती है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में तो एक ही क्वेश्चन होता है। तो आप क्या कहोगे, मैडम एक क्वेश्चन के लिए कौन इतनी मेहनत करे, बेटा एक एक क्वेश्चन के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं जहां से तो भरोसा ही नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, है ना, तो वो तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे तो हम नहीं भाग सकते। तो जीआई टेक का टॉपिक ऐसा ही है, आ भी सकता है पेपर में यहाँ से सवाल और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ, तो अगर आ जाए तो भाई थोड़ा सा आप लोग कर सको इस पे। ठीक है काम, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, एक और आम आते यार, मतलब वही वाली बात आ जाती है फिर से कि ये क्वेश्चन पे आज यही गड़बड़ हो रखी है, एक महाराष्ट्र एक स्टेट के चार चार क्वेश्चन बना के रखे। लिटरली मुझे गुस्सा आया था जब मुझे पता चला, जब मैंने एक सेशन करवाया, जब मैं पहले मैंने किसी और चैनल, तो मेरे को गुस्सा आया इस बात पे कि यार ये क्या है। तभी मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर ऐसे नहीं चलेगा, आप अलग अलग क्वेश्चन ही बनाओ। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, हापुस आम को जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। अल्फांसो आम भी यहीं पर है जिसको जीआई टैग मिला था। व्हाइट अनियन है यहाँ पर, इसको भी जीआई टैग मिला था, और साथ ही में क्या था आपका, वाडा कोलम राइस को भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, किसी को कोई दिक्कत भाई यहां तक, हाँ ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक तो तुम लोग ये आपस में बहुत बातें करते हो भाई, मतलब क्या तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती यार, आपस में कितनी बातें तुम लोग करते हो, थोड़ा कम। मैम यूपी एपीएस में जीआई टेक आती है, तो किसी देखो किसी एग्जाम में आता है किसी एग्जाम में नहीं आता है, इट डजंट मीन कि हम लोग नहीं करेंगे उसको, है ना। बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो, सिर्फ एसएससी एग्जाम्स की तो कर नहीं रहे हो, रेलवे की भी दे रहे होगे आप, है ना, और एसएससी में भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस अलग होता है, सीएजीएल अलग होता है, सीएचएसएल अलग होते हैं, है ना, और एसएससी जीडी का अलग है। तो हर एक एग्जाम के अंदर तो नहीं आए इससे जीआई टेक से, ये तो हो नहीं सकता, किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा। इसके अलावा रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो आगे आप, ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होगे रेलवे में, तो वहां से भी तो बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किया हुआ, देखो पढ़ा हुआ कभी भी जाया नहीं जाता,
जो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं जाके वो जरूर काम आने वाला है। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 70। किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुरसाने को जीआई टैग दिया गया है? Which state famous चिली दाल चिली डल्ले खुरसानी has been given GI tag? तो मैंने आपको पीछे बता दिया इसके बारे में। मैम आपके पीछे आम रखी खिलाओ, देखो आम नहीं वो पीछे गया, आप डल्ले खुरसानी ये मिर्च रखी है। ठीक है, ये मिर्च है मेरे पीछे, चलो किसको खानी है। गाइस प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चलेगा, मैंने आपको 50 लाइक्स का टारगेट दिया, तो एटलीस्ट आपको ये टारगेट अचीव करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो भाई बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्विक आंसर करो। ओके, सिक्किम। कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, मैम सिक्किम आंसर होगा यहाँ पर, सोचो सोच समझ के आंसर करो सभी लोग। वैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सिक्किम आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा सिक्किम के अंदर डल्ले खुरसानी मिर्ची है जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। ओके, तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, सिक्किम से करो सिक्का, क्या करो सिक्का, सिक्के को क्या किया जाता है, सिक्के को डाला जाता है कहाँ पे, दान पेटी के अंदर। जब भी आप मंदिर वगैरह जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, है ना, तो आप देखते होगे वहां पर हर जगह दान पेटी रखी होती है, जहां पर आप क्या डालते हो, सिक्का डालते हो। तो सिक्किम से सिक्का याद रखना जिसको डाला जाता है दान पेटी, तो डल्ले डल्ले खुरसानी क्या हो जाएगा, डल्ले खुरसानी हो जाएगा। ओके हाँ जी, चलो अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम के बारे में, तो भाई गंगटोक हो जाएगी इससे कैपिटल, और इसके जो सीएम गवर्नर हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे करके बताओगे कमेंट सेक्शन में क्या है। ठीक है, गंगा प्रसाद जो है, गंगा प्रसाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके सीएम हो जाएंगे, और गवर्नर बताओ जल्दी से क्या होंगे। अरे वाह, ये राजेंद्र सिंह पहले आंसर कर चुके, वेरी नाइस, प्रेम सिंह तमंग, वेरी नाइस। मैम लेखक और पुस्तक पे एक वीडियो बना दो प्लीज। आशीष मिश्रा वैसे मैंने करा दिया है, आपने शायद वो वाला सेशन नहीं लिया, लेकिन यहाँ कराना बचा हुआ है अभी। हाँ, बुक्स एंड ऑथर्स का सेशन यहाँ पर बचा हुआ है, वो मुझे कराना है, डोंट वरी, अभी कभी भी हो सकता है, कल परसों में ये मेरे ख्याल से सैटरडे से पहले हो जाएगा, और आज डे कौन सा है, ट्यूजडे ना, दो तीन दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहां के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, कहां के विलो क्रिकेट बैट को हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। सो आंसर बता दे जल्दी से यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा। दीपावली की छुट्टी कब मिलेगी यार, तुम्हारे क्लासेस किसी छुट्टी से कम होती है क्या, घर बैठे तो क्लासेस लेते हो तुम लोग, हाँ जब मन करता है क्लासेस में आते हो, जब मन करता है नहीं आते हो, पर छुट्टी की बात तो ऐसे करते हो जैसे तो ऑफलाइन क्लास चलती है, डेली तुम तैयार होके बैग टांग के बुक्स लेके आते हो, नोट्स बनाते हो प्रॉपर। सुधर जाओ लाइको, सुधर जाओ। विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर ये जीआई टैग दिया गया, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मुझे बता दो। ओके कश्मीर, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सभी का आंसर यहाँ पर कश्मीर है। ओके इंदु का आंसर है, सुशील पासवान, वेरी नाइस, सभी का आंसर यहाँ पर कश्मीर आते हुए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो भाई ये बैट आप देख रहे हो, मतलब बैट देखिए कुछ याद आ रहा है, मैडम हमें तो इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप वाला मैच याद आ रहा है। सेम ईयर हा, मुझे भी वही याद आ रहा है, मतलब क्या हो गया यार, कांड हो गया सही में, ये तो खैर याद रहेगा ये हमें। कश्मीर, तो कश्मीर के अंदर है विलो क्रिकेट बैट जिसको हाल ही में क्या दिया गया है, इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये वाला जो बैट है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, ऐसा लिखा रहता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पर, कश्मीर के अंदर मिला है। यहाँ पर कश्मीरी केसर है, उसको भी जीआई टैग मिला था, यहीं पर गुच्छी मशरूम है, इसको भी जीआई टैग मिला था, और इसकी तो पहली खेप कहाँ भेजी गई है, यूएई के अंदर उसको एक्सपोर्ट भी किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स कश्मीर से आपको याद रखने हैं। मैडम मत बताओ वो हादसा, ये तो हादसा ही हो गया हमारे साथ में, जैसे याद करने का भी मन नहीं करा, मुझे बोला गया था कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, मैंने कहा नहीं सॉरी, इस पर तो मैं कतई नहीं बनाऊंगी, बनाने वाली हूँ शॉर्ट वीडियो। मैंने कहा यार, मतलब ये तो वो वाली बात हो जाएगी, भारतीय जो है हमारे जो बच्चे हैं उनके जख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे काम नहीं करना, उनको पता तो चल ही गया होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते जरा और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहां तक क्लियर है सभी को गाइस? कश्मीर के लोग अच्छे होते, अच्छे होते। कौन सी लकड़ी की बनी है यार, ये तो मुझे नहीं पता कौन सी लकड़ी की बनी होती है ये। आई थिंक इसमें बम्बू को ही यूज किया जाता होगा, आई थिंक सो है, आई एम नॉट श्योर। ये तो देखना पड़ेगा मैं कौन सी लकड़ी, ये तो आपके पेपर में थोड़े ना पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। किस राज्य के काजू से निर्मित हेरिटेज ड्रिंक फैनी के को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है? हाँ भाई, खाने पीने की बातें बहुत हो गई, अब सिर्फ पीने की बातें कर लेते हैं जरा। हाँ चलो, पीने की बातें करते हैं ना। फेनी, फेनी क्या होता है? देखो फेनी की जब हम बात करते हैं तो ये एक काजू का पौधा होता है। क्या है? एक काजू का पौधा होता है। तो ये जो पौधा है वो ब्राजील से मंगवाया जाता था, और कहां पर मंगाया जाता था? गोवा के अंदर मंगवाते थे। कौन करते थे ऐसा काम? ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। और फिर वो इस पौधे का क्या करते थे, इसको सड़ा करके इसकी शराब बनाई जाती थी। ठीक है, सड़ा के इसकी शराब बनाई जाती थी। तो ये जो पूरी कहानी है उसको बताने के लिए एक पर्सन है, छोटे से बिजनेसमैन है, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने एक म्यूजियम ओपन किया है, कहां पर? गोवा के अंदर। ठीक है, कितने बच्चे घूम कर आए? गोवा तो तुम लोग जाते रहते हो, कितने बच्चे म्यूजियम देख कर आए बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर इसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें फेनी की कहानी बताई जा रही है कि कैसे ब्राजील से लेकर के गोवा ये पौधा मंगाया जाता था, फिर इसको सड़ा करके कैसे शराब बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये शराब नहीं मिलेगी इस म्यूजियम के अंदर। आज तक जितनी भी शराब पुरानी से पुरानी जितनी भी बनाई गई है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ये सिर्फ म्यूजियम है, यहाँ पे जाके खरीद नहीं सकते हो, पता चले भैया ये कितने की। हाँ चलो, अच्छा जब हम गोवा की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो गोवा है, जो गोवा है यहाँ पर और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है? हरमल मिर्च को मिला है। किसको? हरमल मिर्च को जीआई टैग दिया जा चुका है। ओके, और ख्वाजा जो मिठाई होती है यहाँ पर, ख्वाजा जो मिठाई होती है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा भी तो एक प्रोडक्ट था ना, खोला मिर्च भी तो था, खोला मिर्च, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। ओके, तो ये सारी चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, डूरंड कप ये कहां से आ गया? डूरंड कप कहां से आ गया भाई? वो तो आपका भी कोलकाता में हुआ है ना, 130th एडिशन। तो हम बात कर रहे गोवा की। अच्छा, गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? गोवा की कैपिटल है मंडवी। गोवा की सॉरी मंडवी नदी के किनारे पर है पणजी। पणजी से कैपिटल जो कि मंडवी नदी के किनारे पर है। और ये वाली जो रिवर है ये वही वाली रिवर है जो गोवा एंड कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट बनी रहती है। इसके पानी को लेकर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट रहता है, और ये दो स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? आपके गोवा एंड कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो सीएम है वह ये कौन हो जाएंगे? आपके प्रमोद सावंत है जो कि यहाँ पर आपके सीएम हो जाएंगे। और गवर्नर का नाम आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ के जो गवर्नर है ये कौन है। ठीक है, चलो फटाफट से। अच्छा इसलिए बोल रहे थे क्या? ओके हाँ, अब समझ में आया डूरंड कप किस लिए बोला। अच्छा, गोवा ने जीता है, गोवा की टीम, बिल्कुल सही, पहली बार जीता है। मतलब गोवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एफसी गोवा जो है उसने डूरंड कप को जीत लिया था। ओके सॉरी, मैं सोचू कि यार वेस्ट बंगाल में हुआ था, अब याद आया कि हाँ गोवा ने जीता था इसलिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही भाई। मिस्टर पिल्लई ये बन गए हैं यहाँ पर क्या गवर्नर, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट एंड एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के हमारे सेशन का। ठीक है, अच्छा सेशन को लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैंने 50 का टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अचीव करना, तो प्लीज जल्दी से करके उसको अचीव करें। ठीक है, तो ये गाइस जो गोवा की जो काजू फेनी है ये बेसिकली क्या है? हेरिटेज ड्रिंक है, हेरिटेज ड्रिंक है। और इसका दर्जा प्राप्त करने वाला जो पहला देश बना है, पहला मतलब देश का ये पहला शराब उत्पाद है इस प्रकार का, जिसे 2000 में जीआई टैग मिला था। केवल काजू फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, काजू फेनी को, फेनी ये नारियल या काजू के फलों से बना हुआ एक काढ़ा और गोवा के लोकाचार एवं पहचान का पर्याय है। तो ये सब कहानी तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का क्या है। देखो, किस राज्य के सोहराई व कोबर कला को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है? किस राज्य के सोहराई व कोबर कला को जीआई टैग दिया गया है? सो विच इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन?
बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिहारी बाबू छी छी छी, ऐसी बातें नहीं करते भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज। हाँ नॉनवेज बातें नहीं करते हैं बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियन। मेरे साथ होंगे कुछ बच्चे और जो प्योर वेजिटेरियन है। चलो सोहराई में खोवर कला पेंटिंग की बात करते हैं। इसको जीआई टैग मिला गया है, मिला है और आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो आंसर कर रहे हैं दैट इज इन झारखंड। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर झारखंड के अंदर दिया है क्या जीआई टैग। ठीक है हाँ, तो ये जो सवाल है गाइस ये मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, काफी टाइम हो गया इसको जीआई टैग दिए, बट 2020-21 के अंदर ही दिया गया था तो एग्जाम के अंदर तो यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। ठीक है तो इसमें जो यूज किया गया है ये मिट्टी के रंग है, इसमें जो यूज किया गया है वो क्या है मिट्टी के रंगों का यूज करके इस पेंटिंग को यहाँ पर बनाया गया है जो कि गेरू पत्थर आप लोगों ने सुना होगा जिसके बारे में, उसी के ऊपर ये पेंटिंग वगैरह की है। लाल पीली और काली है ना, बस ये तीन कलर का यूज करके यहाँ पर इस पेंटिंग को किया गया है। ठीक है झारखंड में, झारखंड की बात करते हैं भाई तो देखो कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, रांची इसकी कैपिटल हो जाएगी और यहीं से शुरू होती है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है और झारखंड के कहां से, रांची से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है कब स्टार्ट होती है, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। राम सेवक शर्मा है जिनको यहाँ पर क्या बनाया हुआ है इसके चेयरमैन बनाया हुआ है इस योजना की। ओके ठीक है झारखंड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर पाइराइट्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है। पाइराइट की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका झारखंड में होता है। तांबे का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये कहां पर होता है, नौ झारखंड इसमें तीसरे नंबर पे आते हैं। तांबे का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है और फिर तीसरे नंबर पे आता है क्या झारखंड। झारखंड के अंदर एक जगह आपने बहुत सुनी होगी जिसको कहा जाता है सिंहभूम, सिंहभूम के नाम से फेमस है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा तांबा वगैरह पाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ यूरेनियम आंध्र प्रदेश के जादूगाड़ा, बिल्कुल सही है। ओके सो और कुछ किसी को पूछना है भाई, आज के लिए बस इतना ही करेंगे गाइस। आई थिंक सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब 5:30 बजे वाले सेशन में मिलेंगे। ठीक है कितने बजे, 5:30 बजे वाले सेशन में मिलेंगे। तो आज मैं आपको स्टेट स्कीम्स करवाऊंगी, जो स्टेट वाइज चल रहा है ना आपका उसमें मैं आज स्कीम्स कराने वाली हूँ और आज आपको ऑप्शंस की फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सिर्फ पहले बिहार की कुछ करेंगे जो वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑप्शंस की फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है वो ऑप्शंस की फॉर्म में आपको मिलेंगे। मैम साइंस का, अच्छा क्लास कब होता है, नहीं नहीं यहाँ पर साइंस की कोई क्लास नहीं होती है। यस यहाँ पर साइंस की कोई क्लास नहीं होती है फिलहाल, अभी टीचर्स आने बचे हैं तो साइंस के टीचर भी लाए जाएंगे जल्दी, फिलहाल यहाँ पर साइंस की कोई टीचर नहीं है। ठीक है हाँ जी, और कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट इन द सेशन ऑफ एट 5:30 to 6:30 आपका सेशन रहेगा जिसमें स्टेट वाइज करेंगे। तो पहले बिहार के बारे में जानेंगे, जितनी भी यहाँ पर स्कीम्स वगैरह है बिहार के अंदर जो चलाई गई है, जितनी भी योजनाएं हैं पहले उनको देखेंगे और उसके बाद फिर ऑप्शंस के साथ में मिलेंगे बाकी स्टेट्स के आपको, बस बिहार का आपको ऑप्शंस के फॉर्म में नहीं मिलेगा। आगे से मैंने बोल दिया है कंटेंट मैनेजर को कि भाई अब सर आप ऑप्शंस के फॉर्म में ही बनाना, बच्चे नहीं उनको मजा ही नहीं आता इसे पढ़ने में। ठीक है चलो ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स बाय पिंकी सरोहा के नाम से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन करें। मेरा चैनल है पिंकी सरोहा के नाम से टेलीग्राम चैनल, इसे भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर डेली की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। ठीक है हाँ पीडीएफ भी आपको बिल्कुल वहीं पर मिल जाएगा, इनफैक्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ पीडीएफ जीआई टैक्स को लेकर के, पीडीएफ पहले से शेयर आपका। आप एक काम कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओके गाइज हाँ एक सेकेंड
गाइस अभी तो वही तो है आपके झारखंड के गवर्नर रमेश बैसी तो है अभी। हाँ वही तो है, रमेश बैसी ही है झारखंड के गवर्नर। ठीक है, हाँ ओके चलो अच्छा, हाँ एस्टेला वही है, वही वही। ठीक है चलो ओके। नो 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 नो, एस्टेला अभी नहीं है ऑफिशियली। आप देखोगे विकिपीडिया पर भी देखोगे तो आपको वही मिलेगा, मैंने जस्ट वही चेक किया है क्योंकि जब आपने बार बार बोला कि चेंज हो गया, नहीं चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ रमेश बैस ही है झारखंड के गवर्नर और अभी तक वही बने हुए हैं, ऑफिशियली वही है, अभी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा। आर एन रवि से तो रमेश बैस अभी तो बने थे, इतनी जल्दी कहाँ चेंज किया जाएगा। अभी 2021 के अंदर ही तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, रमेश बैस अभी तो अपॉइंट किए हैं तो ऐसे थोड़े ना हो सकते हैं। ओके मैम, टेलीग्राम पे टाइपिंग नहीं हो पाती कुछ पूछने के लिए, ऐसा तो नहीं है भाई। सारा दिन तो बच्चे टाइप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं सारा दिन, तो कुछ ना कुछ डाउट्स भी आते रहते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए कि टाइप नहीं हो पा रहा है, ऐसी कहाँ दिक्कत आ गई भाई। चलो ठीक है, मैं बार देख लेती हूँ कहाँ प्रॉब्लम आई है। ओके उसके बाद फिर देखते। चलो ओके गाइस, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच जाए। ठीक है चलिए, ओके बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।